Hello guys, Deepak Sawant here with another video. Today's video is on exercises to increase blood flow in pelvic regions. अगर आप sexual problems से जूझ रहे हैं, like शीघ्र पतन, नपुंसकता, private parts का ढीला पड़ जाना और fertility से आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये exercises आपके लिए बहुत helpful होंगी. Last video में मैंने Kegel exercises के बारे में बताया था, आप उस वीडियो को भी देखिए, कीगल एक्सरसाइजेस कीजिए और साथ में ये एक्सरसाइजेस करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में. तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है पश्चिमोत्तान आसन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ करना है, उसके बाद आपको अपने हाथों से पैरों को टच करना है और साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने सर को घुटनों पे लगाना है और इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है. आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा. सांसें छोड़ते रहिए, लेते रहिए, आपको देर से देर तक होल्ड करके रखना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. और इसके आपको 3 से 5 रेपिटेशंस करने हैं. और जो अगली एक्सरसाइज करनी है वो है बटरफ्लाई पोज, तितली आसन. अपने पैरों को हिप्स के पास ले आना है और उसके बाद अपने पैरों को ऊपर नीचे करते रहना है. सांसें सामान्य रहेंगी, सांसें लेते रहना, छोड़ते रहना. और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए पेल्विक रीजंस पे. और पुरुषों के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं ये सभी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए. तो आपको इस एक्सरसाइजेस के लगभग 50 रेपिटेशंस करने हैं आपको, दो या फिर आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं. तो जो अगली एक्सरसाइज करेंगे हम वो आपको लेट कर करनी है. पीठ के बल लेट जाना है और पैरों को हिप्स के पास लाना है. सेतु बंद आसन जिसे ब्रिजेस कहते हैं, यहाँ पे से आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है. पैरों को और पास ले आइए और आप अगर इसे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों से अपनी कमर को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं. और सांसें सामान्य रखनी है, सांसें लेते रहनी है, छोड़नी है. आप कोई भी एक्सरसाइज हम करें जितने देर तक आप होल्ड करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है. आप कोशिश करें कि 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड करें इस पोजिशन को तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और उसके बाद रिलीफ कर देना और इसके भी 3 से 5 सेट करने की कोशिश करना. और जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है नौका आसन, बोट पोज. कुछ लोगों के लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन हो सकती है. आपको पैरों को उठाना है और कमर को सीधी रखना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है. इस पोजीशन को भी होल्ड कीजिए आप जितनी देर तक कर सकते हैं और सांसों को सामान्य रखनी है. उसके बाद रिलीफ कर देना है और इसके भी 3 से 5 रैप्स करना. और जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है उत्तान पादासन. सिंपली लेट जाना है पीठ के बल, उसके बाद अपने पैरों को 90 डिग्री पे होल्ड करके रखना है. जितने देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. ये सब में से बेस्ट एक्सरसाइज है ये. आप जितना देर तक होल्ड करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा. इस एक्सरसाइज को आप सिंपली दीवार के सहारे भी कर सकते हैं. अपने पैरों को अगर आप इस पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप दीवार की सपोर्ट से भी इसे कर सकते हैं. बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है. आप इसे कभी भी खाली, जब आपका पेट खाली होता है तो आप कर सकते हैं. पढ़ाई कर रहे हैं आप, मोबाइल चला रहे हैं तो करते रहिए आप इस एक्सरसाइज को. ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है. तो जो अगली एक्सरसाइज है वो है कोबरा पोज, भुजंगासन. पेट के बल लेट जाना है और उसके बाद अपने हाथों को चेस्ट के पास ले आना है. देन इनहेल करते हुए पीठ को ऊपर की तरफ ले जाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है. सांसें लेते रहनी है, छोड़ते रहनी है. जितना देर तक आप होल्ड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. देन आपको सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है और इसके भी आपको 3 से 5 रेपिटेशंस करने हैं. और जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है धनुरासना. आपको अपने पैरों को पकड़ लेना हाथों से और फिर पैरों को ऊपर करना है
और पीठ को भी ऊपर करना है जितना आप कर सकते हैं, और इस पोजीशन को भी होल्ड कीजिए जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। देन सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। और जो आखिरी एक्सरसाइज हम करेंगे वो है चाइल्ड पोज। वज्रासन पे बैठ जाना है, उसके बाद सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, और उसके बाद जमीन पे टच कराना है हाथों को और सर को भी, और इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। डीप डीप ब्रेथ लेना है, इनहेल करना है डीपली, और उसके बाद एक्सहेल करना है। और इस पोजीशन को भी आप जितने देर तक होल्ड कर सकते हैं उतना बढ़िया है आपके लिए। तो मैंने ये जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई आपको, ये सारी एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। तो आप कीजिए ये एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइजेस कीजिए, और इसी के साथ ये एक्सरसाइजेस भी कीजिए ताकि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।